इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक बार फिर तारीखी दिन बेलगाम वालों के लिए। आज एक ही दिन में 219 पॉजिटिव मरीज बेलगाम जिला में पाए गए। आज 4 की मौत बताई जा रही है तो ICU में 10 लोग जेर इलाज है जिनकी तबीयत काफी नासाज है और मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। सिर्फ दरमियान का ही एक दिन पॉजिटिव मरीज की तादाद काफ़ी कम रहा, अक्सर 100-200 से अब और आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। मरने वालों की तादाद भी 30 के पार जा पहुंची है। सिर्फ 5 दिन में 500 का आंकड़ा बेलगाम जिला ने पार किया है। एक ही दिन में पॉजिटिव मरीजों के डबल सेंचुरी तक पहुंचकर बेलगाम ने रियासत में तीसरा नंबर हासिल किया है। वहीं दूसरी ओर हुकूमत ने जहाँ कहीं लॉकडाउन है इसे रद्द करने का फरमान भी जारी किया हुआ। वजीर आला येडियुरप्पा ने तो साफ अल्फाजों में कह दिया है कि अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। पहले एकाध कोई वजीर लॉकडाउन पर मशवरे की शगु पे छोड़ता रहता था, पर अब तो कोई लॉकडाउन नहीं होगा ऐसा कहा जा रहा है। वैसे अभी ईद त्योहारों का दौर जारी होने वाला है, आशरा जिलहिज्जा के अरकान जारी है और ईद उल अजहा सामने आन खड़ी है। कुर्बानी का बड़ा मसला है, पर कई जमातों की जानिब से एहतियात के साथ ईद मनाने का ऐलान किया गया। अक्सर यह भी देखा जा रहा है कि कुर्बानी के वक्त शरपसंद अनासिर जानबूझकर माहौल में तशद्दुद फैलाने का काम अंजाम देते रहते हैं, क्योंकि इनके आका इन्हीं कामों के लिए इनकी परवरिश करते रहते हैं। दूसरी ओर गणेश का भी त्यौहार है जिसमें 12 दिन तक त्यौहार मनाया जाता है। कुछ गणेश मंडलों ने इस साल गणपति का त्यौहार ना मनाने की बात कही है, जो वाकई काबिल तारीफ कही जा सकती है। गणेश मंडलों ने कोरोना आलमी वबा के मद्देनजर तमाम फिजूल खर्ची को बंद करके गरीबों को और जरूरतमंदों को मदद करने का ऐलान किया है। जाहिर है ना सिर्फ बेलगाम बल्कि पूरे देश के कई रियासतों में गणेश का त्यौहार मनाया जाता है और जिसमें पटाखों का ज़्यादा भी इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र जिन तंजीमों ने भी त्यौहार ना मनाने का फैसला लिया है या फिर घर के इहाते में मनाने का फैसला लिया है, वाकई काबिल तारीफ है। और इस तरह दूसरे गाँव वालों को भी अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इस देश को ऐसी ही विचारधारा की ज़रूरत है कि हम सब मिलजुल कर देश को बचाना है। कोशिश तो आज भी चल रही है कि हिंदू मुस्लिम को किसी तरह से बांट कर ऐसे मुश्किल वक्त में नफरत का खेल खेला जाए। इस देश की जड़ों में गंगा जमुनी तहजीब मजबूती से बसी है। इसी से यह साबित होता है कि यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब कितनी पुरानी और कितनी जड़ों तक मजबूत है। बेलगाम शहर में आज एक और मामला पेश आया कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से बढ़ते पॉजिटिव मरीज और कोरोना से हो रही बेतहाशा मौतों के मद्देनजर फख्र मिल्लत हॉल में मीटिंग तलब फरमाई गई थी। इस वक्त मुस्लिम लीग के कायद दस्तगीर आगा ने कहा कि बेलगाम जिला अस्पताल में इत्मीनान बख्श इलाज नहीं किया जा रहा, मरीजों पर तवज्जो भी ठीक से नहीं दी जा रही, जिसकी वाकियात आए दिन अखबारों में देखे सुने जा रहे, यहाँ तक कि लाशों की अदला बदली तक की जा रही, जिससे पिछले 2-4 दिन में काफी मौतें वाकई हुई है। लिहाजा अंजुमन हॉल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए, कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज किया जाए। शहर के दिगर डॉक्टर्स बढ़ते कोरोना के डर से क्लिनिक को बंद किए हुए हैं, लिहाजा अंजुमन हॉल को बतौर क्वारंटाइन सेंटर इस्तेमाल किया जाए, ऐसा भी उनका मुतालबा रहा। इस वक्त फजल खान पठान, नवीद जमादार, अजीम पटवेगार, आरिफ कटगेरी, फिरदौस दरगाह, जमील हंचन मनी और दिगर जिम्मेदार मौजूद थे। मौतों का सिलसिला जारी है कि नौजवान की मौत से लोगों में काफी गुस्सा जिला अस्पताल के तालुक से देखा गया। हर रोज बढ़ती मौतों ने जिला अस्पताल में पुलिस इंतजामिया भी बढ़ाया जा रहा है और जो कई सारे लोग इस दरमियान भी हमारे दरमियान से चले गए। इंतकाल पर मलाल जनाब मुख्तार बागेवाड़ी, जिनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी, जिनका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। जनाब मुख्तार बागेवाड़ी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सरगर्म कारकुन थे और कौमी हमदर्द थे। जहाँ कहीं भी मिल्लत की फलाह बहबूदी के लिए ज़रूरत होती दौड़कर पहुँचने की कोशिश करते। बेलगाम शहर में PFI के काम को हरकत देने में मुख्तार बागेवाड़ी का अहम किरदार रहा। इनके अचानक चले जाने से माशरे में अफसोस का इजहार किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।